A very sweet good morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are going to start our next compound of group number 15 is ammonia. Ammonia is what? NH3. ठीक है? तो आज इसी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे. ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करें इसकी प्रिपरेशन की. How you will prepare ammonia? So first preparation हम पढ़ रहे हैं from how you will prepare ammonia? First है यूरिया से. आप यूरिया से किसको फॉर्म कर सकते हो? अमोनिया को फॉर्म कर सकते हो. ठीक है? तो यूरिया आपका क्या है? NH2CO NH2. ठीक है? आप यूरिया को क्या करो? वॉटर के साथ ट्रीट कराओ. ठीक है? वॉटर के साथ ट्रीट कराओगे तो ये क्या बनाएगा? अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा, NH4 twice CO3. ये क्या बना? अमोनियम कार्बोनेट. अब जो ये अमोनियम कार्बोनेट है ये क्या करेगा? आप इसको हीट करोगे तो यहां से हीटिंग के दौरान क्या रिलीज हो गया? कि अमोनिया गैस साथ में CO2 एंड साथ में आपका H2O. तो आपने किसकी फॉर्मेशन कर ली? अमोनिया की फॉर्मेशन कर ली बाय द हेल्प ऑफ यूरिया. ठीक है? सो ये बात थी जनरल लैब प्रिपरेशन बोल सकते हो. अगर मैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात करूं तो उसके लिए प्रोसेस है आपका हैबर प्रोसेस. थोड़ा बहुत कल मैंने डिस्कस किया था. आप बोल सकते हो इसका कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. ठीक है? तो अब हम इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट, जो हैबर प्रोसेस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन हम हैबर प्रोसेस से करते हैं. हैबर प्रोसेस में बेसिकली आपका क्या है? आप N2 को रिएक्ट कराते हो हाइड्रोजन के साथ और फॉर्मेशन क्या होती है आपकी? अमोनिया की होती है, NH3 की होती है. और ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक है. यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है? अब देखो इसकी कंडीशंस मैंने आपको पहले बताई थी. ये 773 केल्विन टेम्परेचर पे होता है, 200 एटमोस्फियरिक इसको प्रेशर चाहिए, आयरन एज ए कैटलिस्ट चाहिए और मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर चाहिए. ठीक है? सो देख रहे हो भाई ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. तो आप बेशक पहले ये चीज भूल जाओ कि मैंने कंडीशंस क्या क्या लिखी है, हम खुद आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है? अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो सबसे पहले मैं कंडीशन देखूंगी टेम्परेचर की, कि मुझे कैसा टेम्परेचर चाहिए. देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज है. आपको रिएक्शन ज्यादा क्या बनानी है? फॉरवर्ड बनानी है. तो आप लिख सकते हो टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड. सो आप पहले कंडीशन किसकी अप्लाई कर रहे हो? टेम्परेचर की. टेम्परेचर जब आपको, देखो फॉरवर्ड है, हीट रिलीज हो रही है, तो आप क्या करोगे भाई? हीट सप्लाई करो. देखो ऑलरेडी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक है तो आपको टेम्परेचर, ये हीट क्या करनी पड़ेगी? रिमूव करनी पड़ेगी ताकि आपकी रिएक्शन कहाँ आए? फॉरवर्ड में आए. सो आप क्या करोगे? टेम्परेचर कूल डाउन करोगे. तो आपको रिएक्शन कब किस पे करानी है? लो टेम्परेचर पे करानी है. अगर आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, रिएक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए आपको क्या सप्लाई करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर. इतनी चीजें समझ में आई. अब देखो एक प्रॉब्लम और आ जाती है हमें कि भाई ये जो N2 है ना, ये ट्रिपल बॉन्ड पर है और अगर आपने लो टेम्परेचर सप्लाई किया तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा लो टेम्परेचर पे. इसको क्या चाहिए? टेम्परेचर ज्यादा चाहिए. सो हमें टेम्परेचर ना ज्यादा लो रखना है ना ज्यादा हाई रखना है. सो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है इस रिएक्शन को कराने के लिए, ऑप्टिमम भाई, लो टेम्परेचर को मैं -degree Celsius में रख लू. बट N2 क्या है? जो कि स्टेबल है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा है. बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा. सो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस पर ये रिएक्शन हो जाती है वो कितना है? 773 केल्विन हम लेकर चलते हैं. ठीक है? इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिखा था? 773 केल्विन लिखा था. ठीक है? अब देखो नेक्स्ट
प्रेशर की कंडीशन, क्या प्रेशर क्या होना चाहिए? सेकंड कंडीशन इज प्रेशर। इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 3 आएगा, ठीक है। सो आप देखोगे ये 1N2 और 3 मोल्स ऑफ H2 आपको इक्विलिब्रियम में 2NH3 दे रहे हैं। एक वॉल्यूम इसका, 3 वॉल्यूम इसके, टोटल कितना वॉल्यूम हो गया? 4 वॉल्यूम हो गया। और आपको 4 वॉल्यूम मिलाकर क्या दे रहे हैं? 2 वॉल्यूम दे रहे हैं। आपको रिएक्शन चाहिए फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में देखो 4 वॉल्यूम से कहां जा रहा है? 2 वॉल्यूम पे। मींस जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फेवरेबल कब है? वॉल्यूम क्या हो? डिक्रीज हो। अगर आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो आपका मोर अमोनिया बनता है। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब अमोनिया टूट के आपको ये दोनों दे रहा है, फिर तो रिवर्स रिएक्शन हो जानी है। सो टू मेक फॉरवर्ड रिएक्शन आपका वॉल्यूम क्या करना चाहिए? डिक्रीज। और आप वॉल्यूम डिक्रीज कैसे कर सकते हो? आपको पता है प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितना प्रेशर बढ़ाते हो वॉल्यूम उतना ही कम होता है। आपको वॉल्यूम डिक्रीज करना है, इट मींस आपको प्रेशर क्या करना पड़ेगा? इनक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो डिक्रीज इन वॉल्यूम फेवरेबल है तो प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई। हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम, वॉल्यूम कम मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सो टू मेक रिएक्शन फॉरवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो प्रेशर आप रिक्वायर्ड आपको चाहिए वो कितना ज्यादा आप अप्लाई करते हो? 200 एटमोस्फियरिक प्रेशर। इसीलिए मैंने इस रिएक्शन में यहां पर लिखा था 200 ATM। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, ठीक है, देखो रिएक्शन अगर मैं सिर्फ ये दो कंडीशन लगाऊं यहां पर भी रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट नहीं होगी, ठीक है। सो रेट ऑफ जो रिएक्शन है उसको स्लो डाउन होगी, तो आप क्या करोगे? उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करोगे। वो कैसे करोगे? बाय एडिंग कैटलिस्ट। सो आप यहाँ पे आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे, और आयरन का क्या लेते हो आप? ऑक्साइड। तो आप आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एज ए कैटलिस्ट आप बोल सकते हो, और इस कैटलिस्ट के साथ स्मॉल अमाउंट में, कैटलिस्ट के साथ साथ स्मॉल अमाउंट में आपका क्या डलेगा? दो तीन चीजें और डलती जो आपको पता होनी चाहिए, लाइक Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड और K2O। इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इसको और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे अभी भी रिएक्शन क्या है? स्लो। रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए आप आयरन ऑक्साइड के साथ स्मॉल अमाउंट में ये चीजें भी डालेंगे, और इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या ऐड करेंगे? मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, ठीक है। कुछ बुक में सिंपल आयरन एज ए कैटलिस्ट भी लिख देते हैं, ठीक है। मेन रोल तो इसी का है, इसके साथ ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। सो ये था आपका ओवरऑल हैबर प्रोसेस। आप इन सबको नोट डाउन करो, फिर हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। स्टूडेंट्स बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया की, ठीक है। NH3 आपका है, इसका स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी। इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी आती है? SP3। और इसका स्ट्रक्चर क्या आता है? पिरामिडल, ठीक है, ये वाली चीज। और इसका एंगल 107.8 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी बात करते क्या है, कलरलेस है, प्रॉपर्टीज की बताइए, कलरलेस है। स्मेल इसकी क्या है? पंजेंट स्मेल है, बहुत तीखी स्मेल है, पंजेंट स्मेल। नेक्स्ट अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये क्या है? लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है, लाइटर देन एयर। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है हाईली सॉल्युबल इन वॉटर, वॉटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल इन वॉटर। नेक्स्ट अगर ये वेपराइज कर जाए, ठीक है, तो ये इंटेंस कूलिंग करती है, ऑन वेपराइजेशन क्या करेगी? इंटेंस कूलिंग करती है,
अपना सारा टेम्परेचर ले लेगी और वेपराइज कर जाएगी और चार तरफ का एनवायरमेंट क्या कर देगी, एकदम ठंडा कर देगी। ठीक है, इसके मतलब मैं मेल्टिंग बॉइलिंग की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक, हमारा मास्टर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, और अगर इसकी और प्रॉपर्टी देखें तो ये कौन सा कैरेक्टर शो करती है, ये बेसिक इन नेचर है। ठीक है, बेसिक इन नेचर, लोन पेयर डोनेट करती है किसी और चीज को। ठीक है, आप बोल सकते हो बेसिक नेचर आप कैसे करोगे, जब आप इसको वॉटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये क्या बनाएगा, आप NH3 को वॉटर में डालोगे तो ये क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा NH4OH। और ये आयंस में किसमें टूटता है, NH4 पॉजिटिव साथ में क्या रिलीज करता है, OH नेगेटिव। तो आप इसका बेसिक करेक्टर इस चीज से भी बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तो ये लोन पेयर डोनेट करता है, जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये था हमारा अमोनिया के बारे में। कल मैंने आपकी अमोनिया की डिटेक्शन भी बताई थी, कहा था ये बाद में भी आएगा। डिटेक्शन ऑफ अमोनिया के लिए क्या करो, भाई कॉपर सल्फेट में अमोनिया डाल दो, डिटेक्शन ऑफ अमोनिया कैसे पता लगेगा कि हमें अमोनिया प्रेजेंट है, NH3 को किसमें डालो, भाई कॉपर सल्फेट में CuSO4 में। ठीक है, तो ये इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा NH3 4 टेट्रा अमीन कॉपर आयन, सल्फेट आप लगा दो भी बाहर लग जाएगा 2+ आयन। ये किस कलर का, डीप ब्लू कलर का। ठीक है, तो ये था डिटेक्शन। तो आप ये पहले कॉपी करो, फिर हम इसकी और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि रिएक्शन विद नेस्लर रिएजेंट। तो सबसे पहले नेस्लर रिएजेंट क्या होता है, अल्कलाइन K2HgIO4 के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये नेस्लर रिएजेंट देखो, अल्कलाइन KOH मीडियम दिया और ये है। ठीक है, इसको आप रिएक्ट करा रहे हो अमोनिया के साथ NH3 के साथ। सो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयोडाइडो मिलिनेंस बेस बनाएगा जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन कलर के पीपीटी। तो ये आइडेंटिफिकेशन के पर्पज से भी काम आ जाता है, अगर आप अमोनिया डिटेक्ट कराओ तो नेस्लर रिएजेंट में से पास करो, अगर आपको ब्राउन कलर की पीपीटी मिलते हैं तो ये। नेक्स्ट जो लिक्विड अमोनिया है वो एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है, लाइक H2O ऐसे अमोनिया भी एज ए सॉल्वेंट। कैसे भाई, दो अमोनिया होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करे दूसरा गेन करे, तो क्या बनाएगा ये, एक अमोनिया ने एक H+ रिलीज कर दिया, भाई दो अमोनिया है NH3 और NH3, इसने अपने में से H+ निकाल दिया और इसने H+ एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बनाएगा NH4 पॉजिटिव। इसने H+ निकाला तो सेकंड वाले के पास क्या बचा, NH2 नेगेटिव। जैसे ये सेम किसकी तरह है, जैसे वाटर का डिसोसिएशन होता है, वाटर में क्या होता है आपका भाई OH नेगेटिव और H3O पॉजिटिव, सेम उसी पैटर्न का है। तो ये एज ए सॉल्वेंट की तरह काम करता है। तो आप इसको पहले कॉपी करो। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो जो इनके स्ट्रक्चर्स थे वो सब हटा दिए गए हैं, या तो हम स्ट्रक्चर स्टडी नहीं करेंगे, हम जस्ट इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रिपरेशन बेटा आपको याद ही करनी पड़ेगी, कोई लॉजिक नहीं है याद करने का। ठीक है, अगर हम N2O की बात करूं तो देखो सबसे पहले तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, इसकी एक्स मानो तो कितना हो गया 2x-2 किसके बराबर, 0 के बराबर, 2x=2 तो x की वैल्यू कितनी आई 1, मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में सबसे पहले। ठीक है, ये जो N2O है इसको हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं, लाफिंग गैस भी बोलते हैं। सेकंड, ये क्या कलरलेस है, न्यूट्रल है और ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, पैरा मैग्नेटिक, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रिपरेशन की बात करो तो अमोनियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन से आप क्या बना सकते हो, लाफिंग गैस बना सकते हो, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एनो,
अगर इस पे -2 चार्ज है तो इस पर कितना होगा, +2 चार्ज होगा, ठीक है। ये भी क्या है, कलरलेस है, न्यूट्रल है और पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। जब आप सोडियम NaNO2 को FeSO4 H2SO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो NO गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। कि जो NO है ना, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव है वो देखो, रिएक्टिव होने का रीजन है ये ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, 7-14 इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गए, 7 के पेयरिंग में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका कौन सा करेक्टर है, पैरामैग्नेटिक है, और साथ के साथ ही क्या है आपका, रिएक्टिव भी है ड्यू टू ओल्ड पेयर, जो ये ओल्ड इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से, ठीक है। सो ये हमेशा क्या चाहेगा, मैं मतलब रिएक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। तो आप पहले इनको कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट ऑक्साइड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ऑक्साइड इज N2O3। अगर मैं यहां पर ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करूं तो -2 इसकी है, इसका अगर मैं x मानूं तो कितना आएगा, 2x -6 is equal to 0, 2x is equal to 3 and x is equal to, sorry, 6x is equal to 3। तो यहां पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। और ये जो N2 है ब्लू कलर का होता है, साथ में क्या है, एसिडिक इन नेचर। प्रिपरेशन की बात करूं तो जो N2 हमने पढ़ा उससे, और ये N2O4 ये डाइमर है किसका, डाइमर हो NO2 है, ठीक है। इसके साथ रिएक्ट कराओगे इतने टेम्परेचर पे तो आपको N2O3 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा NO2। NO2 के ऑक्सीडेशन स्टेट ये -4 होगा, जिसकी इतनी आएगी +4, ठीक है। ये आपका क्या है, जो NO2 है बेसिकली ये ब्राउन कलर होता है, एसिडिक नेचर की गैस है, ब्राउन कलर है एंड एसिडिक गैस है, एसिडिक नेचर है इसका। इसकी प्रिपरेशन लेड नाइट्रेट को हीट करके है, आपको NO2 गैस मिलेगी, ठीक है। बेसिकली ये डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, दो NO2 यूनिट कंबाइन करके आपका क्या बनाती है, N2O4 बनाती है। और N2O4 क्या है, एक कलरलेस है और एसिडिक है, यहाँ पे इसका ब्राउन कलर है, ये क्या आपका कलरलेस और एसिडिक, ठीक है। आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी, तो आप पहले इसको कॉपी करो। अच्छा ये सब तो पता होगा आपको, NO2 डाइमराइज क्यों किया, दो चीजें क्यों आई, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं काफी बार, क्या जरूरत थी NO2 को दो यूनिट्स में कंबाइन करने की। तो देखो अगर मैं एक NO2 में इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करो, 7 नाइट्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 8 into 2 16 और 7 कितना होगा आपका, 23 इलेक्ट्रॉन्स। अभी 23 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अभी 22 तो पेयर हो जाएगा, ओल्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, अब एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, तो वही रिएक्टिविटी, एक NO2 के पास ओल्ड इलेक्ट्रॉन तो दूसरा NO2 के पास दूसरा ओल्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों कंबाइन कर लेंगे और किस फॉर्म में आ जाएंगे आपके, डाइमर फॉर्म में, जो कि क्या होगी, स्टेबल होगा, ठीक है। सो आप क्या बोलोगे, ये ओल्ड इलेक्ट्रॉन है, ओल्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑन डाइमराइजिंग इट कन्वर्टेड इंटू स्टेबल फॉर्म, ये ओल्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो रीजन ये है, क्वेश्चन आ जाता है बाय NO2 डाइमराइज, तो रीजन यही कि NO2 एक ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, डाइमराइज के दौरान ये स्टेबल फॉर्म बना लेता है, ये इवन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ओल्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपने ऑक्साइड की, तो यहां पर अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करूं तो ये x कितना आएगा, 2x -10 is equal to 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5, इट मींस यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5 है। और ये आपका क्या है, कलरलेस सॉलिड है, और इसके नेचर की बात करूं तो ये एसिडिक इन नेचर है, ठीक है।
प्रिपरेशन HNO3 P4O10 को रिएक्शन के साथ कंबाइन करा के आप क्या बना सकते हो N2O5 बना ठीक है। तो ये हमने अपने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन पढ़े ठीक है +1 से लेकर +5 तक, ये हमारे सिलेबस में थे। लास्ट ईयर इनके स्ट्रक्चर्स भी थे बट इस ईयर रिमूव कर दिए CBSE ने, जब अपना 30% सिलेबस रिड्यूस किया उसमें, तो हम स्ट्रक्चर्स इसके स्टडी नहीं करेंगे ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन खत्म होता है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट कंपाउंड एक्वारीजिया या फिर आप HNO3। पहले HNO3 स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा नाइट्रिक एसिड HNO3। अगर इसकी लेबोरेटरी मेथड देखो, सबसे पहले तो HNO3 अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आप ओपन वाटर छोड़ देते हो, लॉन्ग टाइम ऐसे ही रह जाता है स्टैंडिंग पोजिशन में, लॉन्ग टाइम स्टैंडिंग, से क्या रिलीज करता है NO2 गैस रिलीज करता है जो किस कलर की है, ब्राउन कलर की है ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेबोरेटरी में बात करो प्रिपरेशन की तो NaNO2 और H2SO4 को क्या करो, हीट करो बट less than 200, तब करोगे तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा और HNO3, बट ग्रेटर देन कर दे तो सोडियम सल्फेट बना देगा ठीक है। ये तो थी इसकी लेबोरेटरी, जस्ट सिंपल सा था कि आपको less than 200 टेम्परेचर रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि इसकी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है तो आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हो, ओस्टवाल ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। कौन सा प्रोसेस है ये, ओस्टवाल प्रोसेस, याद रखना अमोनिया बनती है हैबर प्रोसेस से, नाइट्रिक एसिड बनता है ओस्टवाल प्रोसेस से। तो बेसिकली इसमें ये 3-स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले आप इसमें क्या लेते हो भाई, अमोनिया लेते हो पहले स्टेप में ठीक है। अमोनिया को क्या कराओगे, ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराओगे प्लेटिनम या रोडियम की प्रेजेंस में ठीक है। जब इसके साथ रिएक्ट कराओगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये NO गैस प्रोड्यूस करेगा ठीक है। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, एज ए कैटलिस्ट और अराउंड 500 केल्विन टेम्परेचर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, NO गैस प्रोड्यूस करेगी। ये NO गैस आप फर्दर रिएक्ट कराओगे किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या बनाएगा, NO2 बनाएगा ठीक है। ये था हमारा सेकंड स्टेप। यहां तक आप साइड प्रोडक्ट कितना था चाहो तो लिख लो, H2 निकलेगा। ये NO2 आप फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, वॉटर के साथ रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। तो ये 3 स्टेप जो प्रोसेस हमने देखा, ये इसको हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। सबसे पहले अमोनिया को हमने कन्वर्ट किया किसमें, NO में, फिर NO को कन्वर्ट किया NO2 में, फिर NO2 में पानी डाल के HNO3 बनाया ठीक है। तो दिस इज द ओस्टवाल्ड प्रोसेस ठीक है। तो आप इसको कॉपी करो। फिर नेक्स्ट अगर हम HNO3 के स्ट्रक्चर की बात करें, HNO3 तो बेसिकली जो HNO3 है ये ऑक्सी एसिड है। अब आपको पता होगा ऑक्सी एसिड कैसे, ऑक्सी एसिड्स वो जिनमें जो H प्लस H जो है ना वो किसके साथ अटैच्ड हो, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो। जो एसिड H प्लस दे रहा है वो H प्लस कौन सा वाला चाहिए, जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑक्सी एसिड ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है बताओ भाई, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 5। नाइट्रोजन 1s2, 2s2, 2p3, ये 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2s में है, और भाई इसके पास 3p इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल के ये ठीक है। तो मैक्सिमम इसकी कोवेलेंसी कितनी है, मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है ठीक है। अब 4 बॉन्ड में से ये क्या बनाएगा भाई, ये 3 तो यहां से कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, एक एक खाली जगह है, 3 तो बन गए इसे कोवेलेंट बॉन्ड, और एक क्या बनाएगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसके पास ये जो 2 लोन पे एस में जो फुल इलेक्ट्रॉन है, फुली फिल्ड है, ये क्या बनाएगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ठीक है। तो ये जो HNO3 का स्ट्रक्चर है, तो बेसिकली नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन थे ये ठीक है। एक तो इसने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ठीक है। इसके
पास जो लोन पेयर था, एक ही क्या करेगा, ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को अपना एक लोन पे डोनेट करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, और एक ये ऑक्सीजन के पास शेयर थे, इसके साथ शेयरिंग करेगा, और एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक यहाँ पे बॉन्ड और एक इनके बीच में सिंगल, तो ये सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और ये क्या बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये है आपका ओवरऑल, जब आप इसका चार्ज कैलकुलेट करोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो आपका HNO3 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपने स्ट्रक्चर बनाना, लैटिस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, क्लास 11th में भी सीखा था, तो जो भी मेथड सीखा था आप एक बार उसे खुद से भी ट्राई करना कि कैसे आया ये स्ट्रक्चर। मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है, थोड़ा डिटेल में नहीं बताया, वो आप अपना चेक करोगे, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल। नेक्स्ट इसी में टॉपिक पढ़ते हैं, एक्वारिजिया क्या होता है, एक्वारिजिया, इसको हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं, रॉयल वाटर। बेसिकली ये मिक्सचर होता है टू एसिड्स का, कौन से एसिड, HNO3 एंड HCl, और किस रेशियो में, 1:3, HCl 3 और ये 1, मींस आपके पास अगर टोटल 4 ml, 4 ml में से 3 ml आपका HCl होना चाहिए और 1 ml HNO3 होना चाहिए। सो ये मिक्सचर क्या बोला जाता है, आपका एक्वारिजिया बोला जाता है, ठीक है। रॉयल वाटर क्यों बोलते हैं, आपकी जो ज्वेलरी वगैरह है उसको क्लीन करने के लिए बेसिकली, ठीक है, उसके लिए यूज में किया जाता है। काम कैसे करता है, कैसे क्लींजिंग एक्शन करता है, ठीक है, हम सोचते हैं क्लींजिंग हमारी क्लीनिंग हुई है, बट बेसिकली ये वहां से एक लेयर को ही हटा देता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, मैटर्स को डिजोल्व कर लेता है। जब आप HCl और HNO3 को रिएक्ट कराते हो इन 3:1 में, तो ये नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है NOCl, और साथ में भी H2 निकलेगा, और ये क्या प्रोड्यूस करता है, नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, नेसेंट क्लोरीन। ये नेसेंट क्लोरीन रिस्पॉन्सिबल होती है नोबल मेटल्स को अपने में डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये आपका क्या है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। वो कैसे रिएक्ट करेगी, सपोज करो भाई आपके पास प्लैटिनम है, प्लैटिनम को आपने किस में डाला, एक्वारिजिया में डाला, ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नेसेंट क्लोरीन। तो ये प्लैटिनम क्या करेगा, इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, PtCl4, ये इसके अंदर डिसॉल्व हो गया एक्वारिजिया में, एक लेयर रिमूव होगी। ऐसे आपका गोल्ड है Au, आपने क्लोरीन डाला, उसने क्या बना लिया, AuCl3 बना लिया, जो कि क्या है, सॉल्युबल है, ठीक है, सॉल्युबल कंपाउंड है। तो एक जो आपके ऊपर जो थोड़ी डल्ली लेयर हो गई थी वो रिमूव हो गई, अंदर से आपका शाइनी सरफेस निकल के आ जाता है। तो ये बेसिकली फंक्शन था एक्वारिजिया का, आपको ये रेशियो पता होना चाहिए और ये इक्वेशन पता होनी चाहिए बेसिकली क्या प्रोड्यूस करना है, किसकी वजह से ये चीजें होती है, ठीक है। सो आप इसको कॉपी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने देखी प्रॉपर्टीज नहीं देखी HNO3 की, आज हमने सिर्फ HNO3 की प्रिपरेशन देखी थी, इंडस्ट्रियल एंड लैब प्रिपरेशन, और उसी का देखा था एक्वारिजिया कैसे बनता है। सो इसकी बाकी प्रॉपर्टीज हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।